फाइव एक फाइव नंबर का इनवेडायर है जिसकी शेप होनी चाहिए वन क्रॉस वन और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया इसका एक वेरिएबल बना दिया वाई ऑफ ओ पी आज एंटाइप अच्छा इसकी ए इंटीजर टाइप का है हमें इसको फ्लोट बनाना पड़ेगा तो फाइव पॉइंट जीरो से वो इशू खत्म हो जाएगा ठीक है ओके अब हमने क्या करना है हमें इसका आउटपुट देखना है वो हम कैसे करेंगे हमें एक सेशन बनाना पड़ेगा गाइस सेशन हम कैसे बनाते हैं टी एफ डॉट सेशन से सेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा दो मिनट में बट अभी के लिए मेरी बात मानो एस इक्वल्स टू टी एफ डॉट सेशन हमें बनाना पड़ेगा और इसके साथ में दो तीन चीज़ें और करनी पड़ती है जो मैं आपको बताता हूँ हमें ये लाइक दिस इज़ वन ऑफ दी लाइक कन्फ्यूजिंग पार्ट्स इन टेंसर फ्लोगाइज सो अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप पेशेंस रखिएगा मैं दोबारा से समझाऊँगा आपको बट आप परेशान ना हो कि भाई ये चीज़ तो मेरे ऊपर से जा रही क्योंकि ये हल्का सा लर्निंग वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट और लाइक like, मैं आपको ये कोड भी शेयर कर देता हूँ ये जो हम अभी कर रहे हैं जो कोलाब का लिंक है लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू सो वी वर डूइंग टी एफ डॉट सेशन वाली चीज हाँ लेट्स कम बैक टू दिस और ये सेशन सेशन से मेरा क्या मतलब है बेसिकली जो आपने ऊपर यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है छोटा सा जिसमें एक प्लेस होल्डर में एक सिंगल वैल्यू आप डालेंगे उसके हिसाब से वो इसे एक फाइव पॉइंट ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी उस वैल्यू मतलब इस प्लेस होल्डर की खाली जगह में वैल्यू डालने के लिए या फिर इस ग्राफ के अंदर कुछ भी करने के लिए यूनिडा सेशन सेशन इज़ अ टेंसर फ्लो का फीचर uh, जिसकी मदद से आप कोड uh, को आइसोलेट कर सकते हो मतलब आपने सारा काम जो बना लिया वो एक तरफ कर दिया बाकी काम आइसोलेट कर दिया वो काम किया जाता है सेशन के थ्रू ठीक है और इस सेशन के अंदर क्या होता है कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स इनिशियलाइज होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स से मेरा क्या मतलब है बैकग्राउंड के अंदर आपने जो ये नंबर बनाया है इसके हिसाब से कुछ डेरिवेटिव्स के वेरिएबल्स बनेंगे इसी मतलब मेरे को एक्चुअली याद नहीं है गाइज मैंने काफ़ी पहले टेंसर फ्लो के बारे में पढ़ा था मतलब कुछ दो या तीन वेरिएबल्स जनरेट होते हैं जो इसी की ट्रेनिंग में हमें हेल्प करते हैं ठीक है और वो वेरिएबल्स हमें इनिशलाइज़ करने पड़ते हैं सो वी कॉल इट टी एफ डॉट ग्लोबल वेरिएबल्स इनिशलाइजर ये ट्यूटोरियल्स आपको कम मिलेंगे आजकल क्योंकि नो बडी टॉक्स अबाउट टेन सेट लो वन पॉइंट बट दीज आर द बेसिक्स ठीक है और ये जो एस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो मैं एस बना रहा हूँ गाइज ये एस इस एस का फ़ायदा क्या है वेन एवर आई विल राइट एस डॉट रन और उसके अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा मेरे को उसकी वैल्यू मिल जाएगी मतलब अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट रन नंबर तो मेरे को ये जो वेरिएबल मैंने जनरेट किया ये मिल जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ एस डॉट रन नंबर तो अब आप देखें द आउटपुट इज़ फाइव जो मैंने यहाँ पे बनाया था थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है बट आप जब दो तीन बार इसको कोड करेंगे सो यू विल बी एबल टू डू इट अब हमें क्या करना है गाइज हमें बेसिकली इस पूरे आ, इस इस ऑप्टिमाइजेशन को कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस प्लेस होल्डर में वैल्यू डालनी पड़ेगी और प्लेस होल्डर में हम वैल्यू टेंसर फ्लो में कैसे डालते हैं ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना आपको कौन सी चीज़ क्या है कौन सी चीज़ क्या है। इसी चीज़ को आपको लिखना है अपने डॉक्यूमेंटेशन में अब जैसे मैंने बताया कि भाई प्लेस होल्डर क्या होता है तो आपको वहाँ लिख लेना चाहिए था अभी जैसे वी विल टॉक अबाउट कि प्लेस होल्डर में वैल्यू कैसे डालनी है तो वी यूज़ अ फीड डिक्शनरी फॉर दैट फ़ीड डिक्शनरी अब ये फ़ीड डिक्शनरी क्या होती है ये एक बेसिक पाइथन डिक्शनरी होती है बेसिक पाइथन डिक्शनरी क्या होती है जिसके अंदर आप किसी नंबर के साथ नाम डाल सकते हैं इस तरीके से ठीक है तो ये डिक्शनरी में क्या होगा जो आपका नाम आएगा दैट विल बी योर प्लेस होल्डर नेम सिंपल प्लेस होल्डर और इसके लिए आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं मान लीजिए मैं यहाँ पे टेन पॉइंट जीरो वैल्यू डालता हूँ दैट शुड बी अ मैट्रिक्स दैट शुड बी अ अंपा एरे ऑब्वियसली हमने ऊपर वही बनाया है सो एन पी डॉट एरे ऑफ दिस जिसकी शेप होनी चाहिए जिसकी शेप होनी चाहिए वन क्रॉस वन क्योंकि हमने ऊपर वन क्रॉस वन ही बनाया है ठीक है ये मेरी फीड डिक्शनरी बन गई अब मेरे को क्या करना है एस डॉट रन आउटपुट कॉमा फीड डिक्शनरी फीड सॉरी मैं इसको एफ डी कह लेता हूँ आई गेस फीड डिक टेंसर फ्लो के उनके साथ कन्फ्यूज़ करेगा अब आप देखें जो आउटपुट आएगा दैट विल बी फाइव इंटू टेन एंड दैट इज़ कमिंग आउट टू बी फिफ्टी ठीक है इस आउटपुट इसको अगर मैं फिफ्टी कर दूंगा तो फिफ्टी इंटू फाइव दैट इज़ टू फिफ्टी तो ये ऊपर जो हमने ये बनाया है इसके हिसाब से चल रहा है अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूंगा सो तो इट विल गिव अस द आउटपुट्स रिलेटेड तो टू डिवाइड अब आप देखें टेन आउटपुट आ रहा है ठीक है सो गाइज दैट इज हाउ द वेरी बेसिक्स ऑफ टेंसर फ्लो वर्क अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई आप प्लीज़ मुझे इस चैट में लिखें क्लियर और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं आज जस्ट बिकॉज वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ओके गाइज सो नाओ लेट्स प्रोसीड और इस पूरे जो ये हमने यहाँ पे चीज़ लिखी है इसमें अब हम लोग चेंज करेंगे हमारे कोड के हिसाब से और वो क्या करेंगे हमें एक्स पी एच जो है इसके हिसाब से वेट्स को जनरेट करना है सबसे पहला मैं इस कोड को कॉमेंट आउट कर रहा हूँ आई एम नॉट रिमूविंग इट सो हमारा जो सबसे पहला वेट है दैट इज़ डब्ल्यू डब्ल्यू अंडर स्कोर आई जे ठीक है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एम पी डॉट रैंडम डॉट रैंड इसकी शेप क्या होनी चाहिए शेप होनी चाहिए आप लोग बताइए इसकी क्या शेप होनी चाहिए दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू ऑल टेल मी इन दिस चैट बॉक्स अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन बताएँ मतलब प्रॉब्लम मैं इसको कभी YouTube पे अपलोड करूँगा तो डेफिनेटली जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो कॉमेंट uh, सेक्शन में बताएँ इसकी शेप रखनी आदित्य के हिसाब से नाइनटीन नाइनटी नाइन का सेवन एटी फोर दट नॉट अ करेक्ट आंसर आदित्य एनी वन एल्स नन कॉमर सेवन एटी फोर इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट आंसर अब डॉट प्रोडक्ट के परस्पेक्टिव में देखिए हमें सबसे पहले तो आप देखिए हमने जो यहाँ पे नेटवर्क बनाया था इसमें तीन न्यूरॉन्स थे ठीक है हमारे वाले इस नेटवर्क में सेवन एटी फोर सच न्यूरॉन्स होंगे ठीक है अब जब हमारे पास तीन न्यूरॉन्स थे तो शेप वॉज थ्री क्रॉस थ्री सेवन एटी फोर होंगे तो कितनी शेप होनी चाहिए अब तो मैंने बहुत आसान कर दिया इसको यार यस यस तो शार नाउ इट इज द करेक्ट आंसर आस्था इट इज करेक्ट आंसर विवेक अक्षर आप सभी ने अब सही आंसर दिया है सेवन एटी फोर क्रॉस सेवन एटी मतलब ऑलवेज दिस शेप इज गोइंग टू बी फीचर क्रॉस फीचर ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ फीचर को सेवन एटी फोर कह देता हूं एफ इक्वल्स टू सेवन एटी फोर एंड आई शैल डू इट एफ क्रॉस एफ लाइक दिस ठीक है ऐसे ही मैं सारे के सारे बना लेता हूं डब्ल्यू जेके इक्वल्स टू डब्ल्यू अंडर स्कोर हटाई देता हूं मैं ठीक है डब्ल्यू जेके इक्वल्स टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड एफ क्रॉस एफ ठीक है डब्ल्यू के एल इक्वल्स टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड एफ क्रॉस एफ और डब्ल्यू एल इक्वल्स टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन एफ़ क्रॉस ये ये चीज़ समझने वाली है ठीक है ये चीज़ समझने वाली है इसको समझने के लिए बिकॉज दिस इज़ द लास्ट रो लास्ट रो में कितने न्यूरॉन्स रखने हैं वो कैसे हम डिसाइड करते हैं वो हम डिसाइड करते हैं इसके हिसाब से अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारी से लास्ट लेयर है लास्ट लेयर भी इसी के कंप्यूटेशन से निकलेगी तो अब मान लीजिए यहाँ पे तो मेरे को लास्ट लेयर में चाहिए थे तीन न्यूरॉन्स तो मैंने कर दिया थ्री क्रॉस थ्री ठीक है फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए और लास्ट लेयर में पांच न्यूरॉन्स तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मतलब मान लो एन क्रॉस थ्री इज़ माई थिंग और यहाँ मैं ऐसा क्या लिखूँ कि मुझे लास्ट रो में एन क्रॉस फाइव मिल जाए पाँच न्यूरोन्स मिल जाए फॉर एग्जाम्पल पाँच न्यूरस मिल जाए तो मे, मेरी ये शेप क्या रहेगी यस तो शार वेरी गुड थ्री क्रॉस फाइव वुड बी माई शेप थ्री और थ्री आर द सेम थिंग एन क्रॉस फाइव वुड बी द आउटपुट ठीक है तो इस चीज़ को चेंज करके आई कैन जस्ट चेंज द नंबर ऑफ न्यूरस आई हैव इन द आउटपुट रो नंबर ऑफ न्यूरोन्स क्या होते हैं जितने आउटपुट्स निकल रहे हैं जितने नंबर्स हमको मिल रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना है इन दिस न्यूरल नेटवर्क हमें देखना है कि हमें लास्ट रो में कितने न्यूरॉन्स चाहिए होंगे और वो चीज़ जानने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा मुझे नहीं पता आप लोगों ने उसके बारे में सुना है नहीं सुना बट दैट इज़ कॉल्ड एनी गेसेस दैट इज कॉल्ड वन हॉट एन कोडिंग आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा इट इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर पॉपुलर टेक्निक ठीक है वन हॉट एन कोडिंग ओके ये वन हॉट एनकोडिंग क्या होती है इज लेट्स टॉक अबाउट इट सो जब जब हमारे पास जब हम कैट और डॉग क्लासिफिकेशन कर रहे थे या फिर जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में थे हम लोग क्या कर रहे थे वीवर सेंग कि हाँ अगर मेरा वाई प्रोडिक्टड ग्रेटर देन पॉइंट फाइव होगा सो आई विल से ये डॉग है या फिर अगर मेरा जो वाई प्रोडिक्टेड इट विल बी लेस देन पॉइंट फाइव तो मैं कह दूंगा ये कैट है ठीक है या फिर अगर एक एग्ज़ाम्पल में यही काम न्यूरल नेटवर्क से कर रहा होता तो मान लीजिए मैं क्या कह सकता था कि ये मैं आगे दो न्यूरॉन्स लगा दूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस न्यूरॉन की प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा आएगी प्रोबेबिलिटी मतलब मान लो मैंने इसके अंदर एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया सॉफ्ट मैक्स बट अगर दो न्यूरॉन्स है तो मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा मैंने लिच से मैंने लगा दिया सिगमोइड ठीक है सिग्मोइड अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो इसकी वैल्यू भी जीरो से वन के बीच में आएगी इसकी वैल्यू भी जीरो से वन के बीच में आएगी दीज आर प्रोबेबिलिटीज हमने देखा था कैसे सिग्मोइड फंक्शन इज़ अ प्रोबेबिलिटी पूरा सिग्मोइड फंक्शन डिराइव किया था तो मैं बेसिकली आई कैन सी कि जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी वो कैट और डॉग है लेट्स से ये कैट का है डॉग का है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा वो वो होगा ठीक है बट यहाँ पे जो हमारा एमिनिस्ट वाला काम है इसके अंदर क्या चीज़ हो गई इसके अंदर वेट इसके अंदर क्या हो गया आई डोंट हैव द ब्लैंक स्पेस या सो इसके अंदर क्या हो गया वी हैव टेन टेन आउटपुट्स टू टेक हमें दस प्रोबेबिलिटीज कंपेयर करनी है कैसे एक दो वेट वन टू तीन चार पाँच सिक्स सेवन एट नाइन टेन दिस इज फॉर मैं ये लाल रंग से लिखता हूँ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये जो मेरा ये लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी माय आउटपुट लेयर तो मैं आपको ये तो मैंने आपको बता दिया कि आउटपुट लेयर में दस न्यूरॉन्स होंगे क्यों होंगे क्योंकि दस प्रोबेबिलिटीज़ हमें चाहिए अब देखने वाली बात ये है कि भैया जो हमारा आउटपुट लेयर है उससे जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट का हम क्या करेंगे हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे करेंगे वाई एक्चुअल से तो कहने के मेरे मेरे कहने का मतलब है जो आपका वाई प्रोडिक्टेड आ रहा है आउट ऑफ दिस आउटपुट ये आ रहा है वन क्रॉस टेन का ठीक है तो आपका वाई एक्चुअल है दैट शुड ऑल्सो भी वन क्रॉस टेन वरना तो सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा और ये उस तरीके का वन क्रॉस टेन होना चाहिए जो कि इस वन हॉट एंड कोडिंग से या फिर इस प्रोबेबिलिटी से सैटिस्फाई हो जाए मतलब कुछ ऐसा सब्ट्रैक्शन करे कि भाई मिनिमाइज करने पर सही रिजल्ट मिले तो वो काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वी विल डू वन हॉट एंड कोडिंग कैसे करेंगे वट वी विल डू हमने हमारा जो ज़ीरो होगा ना जीरो उसको हम कन्वर्ट करेंगे ना वन हॉट एंड कोडेड वैक्टर वट इज़ अ वन हॉट एंड कोडेड वैक्टर ये एक ऐसा वैक्टर होता है जिसमें ज़ीरो और वन में हम बात करते हैं कैसे अगर मान लो ये एक ज़ीरो का वैक्टर है तो हर एक नंबर की एक पोजीशन होगी इस वेक्टर के अंदर कैसे कितने नंबर्स हैं हमारे पास ज़ीरो से लेकर नाइन तक दस नंबर्स हैं तो दस पोजीशंस में आगे बना दूंगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस ठीक है पहली पोजीशन किसकी है ज़ीरो की है मैं किसका वन आउट इन्क्लूडेड वेक्टर बना रहा हूँ जीरो का तो मैं पहले नंबर को क्या कर दूँगा वन कर दूँगा ठीक है अगर मैं यही काम वन के लिए करूँगा तो मैं क्या करूँगा ज़ीरो सेकेंड वाला वन ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये ग्यारह नंबर्स हो गए सॉरी अब ये सही है और ये वाला जो नंबर होगा ये वन होगा ठीक है इससे क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है मान लो अगर मुझे मेरे मशीन को ट्रेन करना है कि भैया जब लच्चे मेरे को पता है कि यहाँ से मैंने ज़ीरो इनपुट किया है ठीक है ज़ीरो ज़ीरो वाली इमेज डाली है तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए ज़ीरो से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी निकले ऑब्वियसली और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वन ठीक है तो मैं इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो मिनिमाइज़ करने पे जो मेरा डिफरेंस निकाले वो 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 डिफरेंस जब ही निकले जब ज़ीरो में से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी निकल रही कैसे मान के चलो यहाँ से जो भी आउटपुट निकल रहा है उससे मैं इस जीरो वाले वैक्टर को सब, क्या सब कर रहा हूँ क्या सब कर रहा हूँ वन को सब कर रहा हूँ जीरो 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 ज़ीरो जीरो ज़ीरो 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 इनको मैं सब कर रहा हूँ तो इससे जो नंबर निकल रहा है वो क्या नंबर होगा कि मेरा जो आउटपुट आए वो जीरो आ जाए बताइए इस चार्ट के अंदर यहाँ मैं ऐसा क्या नंबर रखूँ जिसको इससे सबड्रैक्ट करूँगा तो मेरा आंसर ज़ीरो आ जाए इस वाले में कह रहा हूँ वन वाले में हाँ विवेक ने सही बताया सभी बताया करो यार चार्ट के अंदर तो मैं यहाँ ज़ीरो रखूँगा ठीक है ये केस बाकी सब के लिए सेम है क्योंकि यहाँ यहाँ जीरो है ठीक है बाकी क्या है जो ये वन वाला है ना यहाँ पे जब तक वन नहीं आएगा ना जब तक मेरा जो एरर है वो जीरो नहीं आएगा मतलब ओब्वियसली अगर मैं यार वन नहीं लिखूंगा तो ये कैंसिल कैसे होंगे अगर यहाँ पे मैं जीरो लिख दूंगा तो मेरा जो एरर है वो तो नेगेटिव वन आ जाएगा ठीक है सो दैट इज़ हाउ आई विल ट्रेन माई मशीन यूजिंग वन हॉट एन और ये जो तरीका है ये अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग होगा एंड दैट्स हाउ विल ट्रेन आर न्यूरोन्स और फिर अंदर के जो आप ये वेट्स आप बना रहे हैं ना जो आ, W I J J K W के L ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे कैसे करेंगे इनके साथ इनके इनके अंदर से डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट होंगे डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट होने से क्या होगा ये प्रोबेबिलिटीज़ ऑप्टिमाइज होगी ये एरर ऑप्टिमाइज होगा एरर ऑप्टिमाइज होगा तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी यही सब काम हम यहाँ पे कोड करने वाले हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें यहाँ पे करनी है एक तो यहाँ पे एफ़ क्रॉस टेन लिखना है क्योंकि दस न्यूरॉन्स चाहिए दूसरा हमें हमारे वाई एक्चुअल को वन हॉट इनकोडेड वेक्टर बनाना है कैसे बनाएंगे इसको हम स्क्रैच से भी कोड कर सकते हैं मैं आपको पहले स्क्रैच से बता देता हूँ फिर मैं आपको क्रास का फंक्शन बता दूंगा तो हम लोग इसको यहाँ बनाते हैं इसके बाद क्रिएटिंग वन हॉट इनकोडेड वैक्टर कैसे बनाएंगे वेरी सिंपल आप क्या कीजिए आप एक लिस्ट ले लीजिए एल एस इक्वल्स टू दिस लिस्ट जिसमें आप नंबर ऑफ जो आपके पास आउटपुट्स हैं उसको लिख दीजिए कितने आउटपुट्स हैं दस आउटपुट्स हैं तो आपकी एक एल लिस्ट बन गई जिसमें दस खाली जीरोज़ हैं ठीक है आपको क्या करना है सिर्फ इसकी उस वैल्यू पे वन करना है जो आपकी क्लास है मान लो मेरी फाइव क्लास है तो एल एस फ़ाइव इक्वल्स टू वन कर देना है अब आप एल एस प्रिंट कीजिए आपको सॉरी अब आप एल एस प्रिंट कीजिए एंड यू विल गेट वन एट दिस फिफ्थ पोजीशन ठीक है इसका मैं एक फंक्शन बना लूँगा वट आई विल डू फॉर नो या डेफ वन हॉट ओ एच वेक्टर किसका बनाना है जो भी आप क्लास डालने वो क्लास का बना लीजिए सी सी एल एस लिख देता हूँ मैं क्लास का बिकॉज इज़ अ की वर्ड और मुझे क्या बनाना है खाली लिस्ट चाहिए ज़ीरो और नंबर ऑफ़ मेरे कितने हैं मैं मे, मेरे जो न्यूरॉन्स कितने हैं कितने सो नंबर क्लासेस वो एक मुझे रखना है तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर नंबर क्लासेस गाइज अगर आपको फंक्शन बनाना नहीं आता आई एम सॉरी बट आप मेरा पाइथन बूट के देख सकते हैं उसमें ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं आप मतलब कैसे सीखी जाती है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उससे रिलेटेड एप्लीकेशन को कोड कीजिए आप हार मत मानिए आपको अगर कुछ चीज़ करने में दिक्कत आ रही है आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए बस आपको अगर वो बेसिक फ्लो समझ में आ गया एवरीथिंग इज़ गुड आज जैसे आप मुझे बोलेंगे कि आप अगर कुशल कैन यू डू अ कोड इन सी शार्प सो आई डोंट नो सी शार्प बट मुझे तीन तीन दिन लगेंगे इसकी शार्प सीखने में जस्ट बिकॉज आई नो द वेरी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इज़ लूप फंक्शन और किस चीज़ को कब लगानी तो वो चीज़ टाइम के साथ आएगी गईज जब हम लाइक बेसिकली वट 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 डू आई बिलीव मैं शुरू से आज तक जब भी लोगों को पढ़ा रहा हूँ इन माई कोर्सेस तीन तीन महीने के छः छः महीने के कोर्सेज़ में आई ऑलवेज से अगर आपके पास प्रोग्रामिंग प्री रिक्विजिट आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती कभी आपने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी लेकिन अगर आपके पास वो एटीट्यूड है जिससे आप किसी चीज़ के अंदर एक बार घुस गए सो यू नो के यार मैं इसको सीखे बिना नहीं निकलूँगा मतलब एक मतलब दो तरह के लोग होते हैं यार एक तो कुछ सीखते सीखते चीज़ों को छोड़ देते हैं जो कि मैं भी था किसी टाइम पर बट कुछ एक अलग ही लोग कुछ ऐसे होते हैं कि भाई हमें चलो नहीं आता बट हम सीखने के लिए कुछ भी कर लेंगे सो so, मैं उनको सिर्फ बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग बताता था दे यूज़ टू डॉक्यूमेंट इट वेल देन दे यूज़ टू डू द असाइनमेंट्स उसमें उनको दिक्कत आती थी प्रोग्रामिंग एरर्स आते थे दैन बेस्ड ऑफ दैट दे यूज़ टू लर्न इट और आज वैसे ही लोग एक अच्छी अच्छी एम एन सीज में काम करें लाइक like, मैंने आपको शुरू शुरू में एग्जाम्पल दिया था लाइक शी वॉज फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड जिसने इवन उसके पास तो कोई टेक्निकल डिग्री भी नहीं थी

लाइक ही वॉज़ वेरी क्यूरियस टू लर्न अबाउट मशीन लर्निंग algorithms. उन्होंने सीखा उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग एडवांस करी इवन हमारे पास उनका एक सेशन भी है जिसके अंदर उन्होंने हमें एस क्यू एल की कुछ चीज़ें बताई थी और मैं आपको उनके सेशन का वीडियो शेयर कर दूँगा मतलब मैंने उसको यूट्यूब पे नहीं लगा रखा मेरे पास वो सेशन रिकॉर्डिंग्स में ये बात मैं आपको बता रहा हूँ दो के लास्ट की टू के एंड की नवम्बर दिसंबर और अराउंड टू के स्टार्ट किया तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स थे गए जिनका कुछ बैकग्राउंड था ही नहीं प्रोग्रामिंग से वो लोग भी आज जब सीख गए तो सीख कोई भी सकता है यू ओनली नीड वन यू नो लर्निंग एटीट्यूड कि हाँ यार मैं कुछ अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है अगर मतलब मुझे लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ में मुझे, मुझे मज़ा आ रहा है तो इसको सीखने के लिए मैं कुछ भी कर हूँ मैं आपको मेरी बात बताता हूँ इस बैक इन टू थाउजेंड जब मैं ये चीज़ सीख रहा था मुझे मैथ्स पढ़ते पढ़ते नींद आती थी, थी। ठीक है और उस चीज़ लाइक एक 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 बोरियत तो ऑब्वियसली अगर आज भी आप कोई नई बुक पढ़ना शुरू करेंगे आपको बहुत नींद आएगी मतलब वैसे झोंके आते हैं महंगे महंगे मतलब भारी 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 झोंके आते हैं और ऐसी चीज़ों का जब आप एक बार क्रॉस कर लेते हैं दैट्स वेयर यू क्रॉस द लर्निंग कर्व फिर पाथवे अपने आप बनता जाता है यू यू नीड टू जस्ट फाइंड अ मेंटर मुझे भी मेरे मेंटर मिले ओब्वियसली उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी एंड दैट साव लाइक आई एबल टू टीच यू तो ऐसे ही सभी सीख सकते हैं मैं तो यही मानता हूँ इस कोई भी इंसान कुछ भी सीख सकता है जब भी लाइक like, आजे लॉन्न मस्क ने स्पेस स्पेस एक्स खड़ा कर दिया दैट इज़ वेरी लाइक वन ऑफ दी ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग वापस आते हैं अपने कोड के ऊपर सो एल एस सी एल एस इक्वल्स टू वन और ये फिर हमें रिटर्न करना है एल एस और ये हमारा वन हॉट एन कोडिड वैक्टर बन जाएगा ठीक है अब हम लाइक इसको यूज़ कर सकते हैं ओ एच वेक्टर अगर मुझे मान लो बनाना है फाइव के लिए नंबर ऑफ क्लासेज मेरी टेन है तो ये मुझे एक लिस्ट दे, दे देगा जिसमें पाँचवें आई गेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्योंकि पाँच है तो सिक्स पे जाएगा जीरो से शुरू हो रहा है वो तो ऐसे ये चेंज हो जाता है ठीक है ऐसे मतलब एक वेक्टर आपको मिल जाता है ये आप अपने पूरे आ, उसके लिए कर लीजिए डेटा के लिए एक एक उसमें से क्लास निकाल के कैसे करेंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ वाई एक्चुअल y एक्चुअल और आपने क्या करना है एक एक लिस्ट बना लीजिए जो आपका वन हॉट वेक्टर होगा मैं इसको आ, y एक्चुअल y o h बोल देता हूँ एक खाली लिस्ट जिसमें ये वैल्यूज़ अपेंड करूँगा सो o h डॉट अपेंड ये मेरा फंक्शन o h वैक्टर क्लास क्या डालनी है जो मेरी y a है जो एक्चुअल वाला y a है डॉट आई एल ओ सी आई मतलब उसकी एक एक रो से मैं वो नंबर्स उठाता जाऊंगा नंबर ऑफ क्लासेस ऑलवेज आई वांट टेन और इसके बाद जब Y मेरा वाई एच बन जाए इसको मैं बना लूँगा एक नंपा एरे एन पी डॉट एरे इसकी शेप क्या होनी चाहिए गाई इसकी शेप होनी चाहिए इसको मैं रीशेप कर लूँगा कितने में करूँगा मैं इसकी शेप होगी मेरी जो लेंथ है दैट इज़ लेंथ ऑफ वाई ए वाई ए वाई ए कॉमा टेन और ये मेरा जो बन गया आउटपुट इट इज माई वाई ए ओ एच इसको जब मैं प्रिंट करूंगा वाई ए ओ एच इट विल कम आउट टू बी आ वन हॉट एनकोडेड कोडेड वेक्टर लेंथ टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट रीशेप वी 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 यस यस वी नीड लेंथ एक ब्रैकेट यस एंड एक ब्रैकेट की और ज़रूरत पड़ेगी आई ये को ओके okay. सो यू कैन सी दिस इज़ द वन हॉट एंड कोडिड वैक्टर आप ऐसे भी बना सकते हैं आप केरास का टू कैटेगोिकल फंक्शन यूज कर सकते हैं दैट इज बाई फ्रॉम केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग येस प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट टू आई गेस इट इज़ इन द केस डॉट आईवेज कंफ्यूज इन दिस टू कैटेगोरिकल केरास डॉट यूटल्स या सो फ्रॉम केरास डॉट यूटिल्स इम्पोर्ट टू कैटेगोिकल और टू कैटेगोरिकल इज़ द सेम थिंग बस इसमें आपको लूप की भी ज़रूरत नहीं है इसमें आप अपना पूरा वाई एक्चुअल डाल दीजिए नंबर ऑफ क्लासेस डाल दीजिए ये वही चीज़ आपको रिटर्न कर देगा यू कैन सी ये वो कैराज से बना हुआ वन नाट एन कोडर वैक्टर है ये चीज़ एक लाइन में भी हो सकती है अब अपना फंक्शन भी लिख सकते हैं हम हमारा फंक्शन यूज़ कर लेते हैं ठीक है वाई एच अब हमने क्या करना है गाइज ये जो सारी चीज़ें आ गई है हमें मतलब एक प्लेस होल्डर वाई एच के लिए भी बनाना पड़ेगा क्योंकि डेटा हम अभी इनपुट नहीं कर सकते डेटा तो बाद में ही इनपुट करना है सो वाई ए मैं इसको वाई ए पी एच कह लेता हूँ टी एफ डॉट प्लेस होल्डर टी एफ डॉट फ्लोट सिक्सटी फोर और ये जो शेप आएगी ये आप बताएं मुझे क्या शेप मैं यहाँ पे लिखूँगा वो आप मुझे चैटफिंडो में बताएं मैं जब भी लिखूँगा जब तक मैं आगे का कोड करना शुरू करूँ उसके बाद ही मैं शुरू करूँगा आगे गोड आप मेरे को बताइए मेरी प्लेस होल्डर कितनी शेप का बनाऊँ टेल मी इन द चैट फ्रेंड टेन शेप का कैसे बनाएंगे आदित्य तो शायद दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आप लोगों का ध्यान नहीं है यार सेशन के अंदर टेन क्रॉस वन भी नहीं बनाएंगे विवेक आप इस हिसाब से देखिए हमारे पास टोटल रोज कितनी है उतने ही रोज के हिसाब से हमारे आउटपुट्स होंगे एक आउटपुट कितने का है और कितने आउटपुट है इस हिसाब से आप शेप सोचिए एक आउटपुट यस यस आदित्य दैट्स गुड 784 क्रॉस 10 यू नील्ड इट मैन 784 क्रॉस 10 ठीक है 784 नहीं यार 784 कैसे होगा ब्रो नॉट 784 एटी नन क्रॉस 10 नन क्योंकि हमारी रोज़ तो हम नन के तौर पे ले रहे ना जो हम बाद में इनपुट करेंगे सो इट विल बी नन क्रॉस 10 नन क्रॉस 10 सबको समझ में आया तो ही प्लस वन लिखना है इसके अंदर वरना आप माइनस वन लिखो तो मैं दोबारा समझाऊंगा। जब तो मैं आगे चलता हूँ सो so, हम यहाँ पे हमारा एरर फंक्शन बनाएंगे एरर इज़ तुषार को समझ नहीं आया इट्स so, ओके तुषार समझाएंगे आपको आप देखें ये जो वाई एच -oh है वाई एच -oh में क्या हुआ आपका जो एक सिंगल क्लास है एक सिंगल क्लास की क्या शेप है? ये मेरे को बताओ चैट के अंदर एक सिंगल क्लास किस शेप के वेक्टर में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू वन हॉट वेक्टर क्रॉस 1 ठीक है ये 10 क्रॉस 1 जिनको नहीं आया समझ में लेट मी टेल यू यार हमने हर एक नंबर को 10 क्रॉस 1 के वेक्टर में ही तो कन्वर्ट किया है जो सी ठीक है ये पेन कैसे बंद हो गया यार आई आइए ऐसे क्रैश होगा अब एंड वी विल ओके ओके इट इज सेव्ड आई डोंट नो इट विल लेट्स या बच 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 गए 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 ओके ओके तो मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा टेन क्रॉस वन का ही तो वेक्टर है ठीक है अब ये टेन क्रॉस वन का एक वेक्टर है ऐसे कितने वेक्टर्स हैं जितने हमारे y एक्चुअल हैं कितने y एक्चुअल जितने हमारी रोज हैं सो दैट्स वाई नन क्रॉस टेन अगर मैं इस वाई ए ओ एच की भी शेप बताऊँ तो इट इज़ नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन क्रॉस टेन ठीक है तो अब आइए सबको समझ में आया सो प्लस वन लिखिए और आगे चलते हैं एरर इक्वल्स टू क्या एरर है हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर कैसे निकालेंगे मीन एन पी डॉट मीन कर लो या तो या फिर टी एफ डॉट मीन कर लो टी एफ डॉट मीन कर लेते हैं बिकॉज वी आर एन टू टेन लो टी एफ डॉट मीन क्या क्या है वाई वाई पी वाई ओके हमने वो तो अभी निकाला ही नहीं एरर पे पहले आ गए सो लेट्स जस्ट डू ऑल दी डॉट प्रोडक्ट्स का इस पहले फिर हम इसके ऊपर आएंगे तो हमारा जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज आय आय हमारे पास है एक्स ठीक है एक्स पी एच जो हमने बनाया है एक्स अंडर स्कोर पी एच ये हमारा आय है इस आय के साथ हमने क्या करना है आय कॉमा डब्ल्यू आई जे का डॉट प्रोडक्ट होगा सो so, एन पी नॉट एन पी टी एफ डॉट डॉट बिकॉज वी आर इन टेंसर फ्लो सो इट इज़ बेटर टू यूज़ टें फ्लो येस यू कैन यूज़ एन पी ऑल्सो बट आप टी एफ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा टी एफ डॉट डॉट नहीं है गाइजे अब जब आप टेंसर फ्लो में आ गए सो इट इज़ मैटमल ये इनका खुद का नाम है मैटमल ठीक है टी एफ डॉट मैटमल अब ये जो मैटमल है ये टी एफ डॉट मैटमल करके आपको क्या देगा टेल मी डैट वेरियबल नेम जो आपको मिलेगा आफ्टर डूइंग टी एफ डॉट मैटमल आई क्रॉस डब्ल्यू आई जे टेल मी इन द चैट विंडो जो जो लो लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं समझ जाऊँगा री गुड विवेक इट इज गोइंग टू बी जे ठीक है फिर हमने निकालना है के सो so, के कैसे आएगा टी एफ डॉट मैटमल जे क्रॉस डब्ल्यू जे के ठीक है सिमिलरली वी विल फाइंड आउट एल एंड दैट इज गोइंग टू बी टी एफ डॉट मैटमल के कॉमा डब्ल्यू के एल और फिर हमें क्या चाहिए हमारा आउटपुट दैट इज वाई वाई प्रोडिक्टेड एंड इट इज गोइंग टू बी टी एफ डॉट मैटमल एल क्रॉस डब्ल्यू एल ओके अब हम अगर हमारा वाई पी प्रिंट करें और उसकी शेप देखें तो यू विल सी इट विल कम आउट टू बी नन क्रॉस टेन दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट नन क्रॉस टेन ठीक है यही तो है गाई नन क्रॉस टेन और अब हमें इस शेप के साथ क्या करना है एरर फाइंड आउट करना है तो बोलते हैं ई इक्वल्स टू एन पी नॉट एन पी टी एफ डॉट मीन वाई एक्चुअल क्या है वाई ए पी एच इस प्लेस होल्डर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वाई पी अगर आपने इक्वेशन में वाई पी माइनस वाई ए लिख दिखा है तो आप यहाँ कर लीजिए वाई पी माइनस वाई ए पी एच वाई ए पी एच कहाँ से आया जो प्लेस होल्डर हमने बनाया है हम वही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इनको सब्ट्रैक्ट करके वी विल जस्ट डू द स्क्वायर एर और यहाँ पे एक एर आ गया नो एट्रीब्यूट मीन टी एफ डॉट कॉम्पायर डॉट वी वन हैज नो मीन आई गेस वो मीन नहीं है इट इज़ It has a different name and I forgot that. TF dot. TF dot. Square करके कुछ है square. Hmm. Wait guys, I'll have to go through it. काफी time हो गया tensorflow use करे. And it is TF dot reduce mean. इनका अपना नाम है reduce mean. it is the same thing as mean don't worry ये reduce mean है ठीक है Why a पी एच इज़ नॉट डिफाइंड Why वाई why ए हमने इसको चलाया नहीं आई कैसे इसलिए इट इज़ सेंग इट इज़ नॉट डिफाइंड ओके सो नाउ इट इज़ वर्किंग ये हमारा एरर आ गया ठीक है